आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है, डेली 8 बजे क्लास चलता है करेंट अफेयर का बहुत स्मार्ट तरीके से। और एक बात बता दे रहा हूं, संडे को ना, अब हर संडे को वीकली करेंट अफेयर भी कराऊंगा। और जैसे करवाता हूं, जैसे मान लो जो भी, जैसे पहले नियुक्ति हुआ, पुरस्कार हुआ, या फिर मान लो आपका खेल हुआ, या फिर मान लो जितने भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हुआ, कैटेगरी वाइज रिवीजन भी करा दूंगा, ताकि हफ्ता भर पढ़ भी लिए और कैटेगरी वाइज रिवीजन भी हो गया संडे को, ठीक है। तो जो भी क्लास कराऊंगा 7 दिन अच्छे से देखना है, ताकि संडे को अपना रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। और जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, आप कितना भी गरीब क्यों ना होगा, आज जुआ खेल के 10 रुपया 20 रुपया 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, लेकिन जुआ का पैसा बहुत दिन नहीं टिकेगा, आज नहीं तो कल जाने ही वाला है, फिर उसके बाद लाइफ में गम स्टार्ट। उतना नहीं बोलूंगा, एक बात बोलूंगा, पढ़ाई का लाइफ में इतना कीमत है ना, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लिए समय रहते ना, तो जिंदगी में कभी 2 रोटी के लिए आपको तरसनी नहीं देगी। इस बात का मतलब आप समझ जाना मैंने क्या बोला है, बहुत बड़ी बात बोले, कभी भी 2 रोटी के लिए आपको और आपके परिवार को तरसनी नहीं देगा पढ़ाई, अगर इसको ढंग से पढ़ लिए तो। बाकी सब काम इसके आगे फीका है, आज के डेट में सब काम फीका है, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और आज काले बहुत लग रहे हैं ना, वैसे हम काले हैं भी, ऐसा बात नहीं कि गोरे हैं, काले हैं, ये तो मानते हैं हम भी। और सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर आप सभी लोग सारा जीके का नोट्स लेकर बाबू पढ़कर रट्टा मार लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बनेगा, फिर बनेगा। 2 साल का पूरा करेंट अफेयर अप टू डेट है 21-22 का, सारा स्टैटिक जीके। और आपको कौन कौन सा टॉपिक चाहिए सिर्फ आप बोलो मुझे, भैया हमें ये टॉपिक भी ऐड कर दो, लेकिन ये पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन पूरा भंडार दिए, भंडार यहां से क्वेश्चन बनता है। अब आपको लगता है भैया 3-4 टॉपिक छूट गया, देखो इस सेक्शन से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, नीचे कमेंट करो आप सभी, उसको भी हम ऐड कर देंगे। हालांकि 3-4 टॉपिक बोले उसको तो ऐड करना ही है, उसके अलावा और क्या चाहिए आपको बताओ, इसके अंदर और ऐड कर देंगे। प्लस पिछले 3-4 साल का जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी जो है आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये लेना बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, फोन है ना, फोन में मान लो सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए, ओपन कर लिए सीधा सीधा नीचे आ गए वीडियो के ऊपर, वीडियो पर क्लिक किए, रीजनिंग कोर्स लेना है तो रीजनिंग कोर्स ले लीजिए, उसके साथ साथ जीके फ्री हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग का सारा क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न का ऐड है, और अभी और ऐड करेंगे जितना भी सीपीओ में सीजीएल में पूछा गया है, एनटीपी सीबीटू तो ऐड है, और ऐड कर देंगे प्रैक्टिस के लिए। अगर वो नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जीके का नोट्स चाहिए, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको सब कुछ मिल जाएगा, डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं, भाषणबाजी बहुत हो गया, थोड़ा स्माइल भी बनता है बाबू। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र जो है वो बनाया है, यानी ना जो अटलांटिक महासागर के नीचे का जो पोर्शन है ना, उसका मैप तैयार कर दिया गया, किसके द्वारा? तो नाम याद रखिएगा, मारिया थारा। और ये कहां की रहने वाली है बाबू, तो नाम याद रखना, ये अमेरिका की रहने वाली है। क्वेश्चन हो गया ना, इतना ही पढ़ना है। अब इससे जुड़ा आपको क्या पढ़ना है, ये नहीं से इससे जुड़े आपको फिजिक्स साइंस सब पढ़ा है, नहीं, जो क्वेश्चन है उससे जुड़ा क्या पढ़ना है, तो इससे जुड़ा आपको 2 चीज पढ़ना है। पहला चीज देखो, यही वो लड़की है खूबसूरत जो मैप जो है वो तैयार की है, दिखा दी, देख लो यही मैप है, देख ली लड़की सुंदर लग रही है कि मैप जो ठीक लगे उठा लो, उठा लो, उठा लो, नहीं क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, पहला आदमी जो मैप को तैयार किया, मतलब अटलांटिक महासागर का नहीं, मैप का, उसका नाम तो आप सभी को पता होगा भैया, ये तो सब कोई जानते हैं कि भैया 6वीं ईसा पूर्वी में स्टार्ट किया गया था, मतलब ठीक है एलेक्जेंडर के द्वारा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का नक्शा एकदम सटीक तैयार किसके द्वारा किया गया सबसे पहले, पहले तो भारत का नक्शा जो है ना अंग्रेज तैयार किए थे, लेकिन सटीक नहीं था, सटीक तैयार किया गया था कैप्टन जेम्स रेनल के द्वारा 1783 में,
ठीक है ना, ये दो पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटी भाई पक्का बनेगा एग्जाम में, श्योर शॉट है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब नोबेल पुरस्कार के बाद अगर कोई पुरस्कार सबसे बड़ा है तो गांधी मंडेला शांति पुरस्कार, ठीक है। पहले याद रखिएगा, जो गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार दिया जाता है, इस बार किसको दिया गया है, दलाई लामा को, ऑप्शन नंबर बी। अब एग्जाम में पूछेगा भैया ये पुरस्कार क्यों देते हैं शांति के क्षेत्र में, सुनो, जो गांधी और आपको पता है मंडेला किसको मानते थे, गांधी जी को, जो गांधी और मंडेला के बनाए हुए कायदा कानून नियम पर चलेगा, उनके बातों को पालन करेगा, उनके क्या उनके कानून को, उनके रूल्स रेगुलेशन को पूरे दुनिया में प्रसार प्रचार करेगा कि उन्हीं के बनाए रास्ते पर चलिए, उन्हीं लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा बाबू। तो यह पुरस्कार दिया गया इस बार दलाई लामा, लेकिन एग्जाम में पूछे गांधी मंडेला फाउंडेशन का गठन कब किया गया था, तो 1999 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है, काजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। उससे पहले एक बात याद है, अगर आप एक दो साल पहले से करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको पता है काजिकिस्तान का राजधानी क्या है, तो आप बहुत पहले बहुत दिन से रट्टा मारे होंगे भैया नूर सुल्तान, बात तो सही बोले, लेकिन नूर सुल्तान अब बदल गया है ना, पहले राजधानी था किसका, काजिकिस्तान का, अब नया राजधानी क्या है इसका, अस्ताना, क्या अस्ताना। और काजिकिस्तान में मुद्रा क्या इस्तेमाल करते, टेंगे, क्या भैया, टेंगे, 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 TENGE, ये मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति कौन बना है वहां का, कसियम जोमरा टोकायव, ऑप्शन नंबर हमारा डी, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 22 में भारत का रैंक है। अब बोलेंगे बाबू देखो भारत का रैंक 61 है और एक नंबर पर आपको अमेरिका को स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन, तो आप बोलोगे भैया रैंक बता दिए, भारत का रैंक बता दिए और एक नंबर पर कौन है वो बता दिए, ये है क्या वो तो बताइए। सुनो बाबू बहुत आसान है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी का बहुत प्रसार प्रचार, अधिकतर काम सब किस पे हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, तो जो देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा अच्छे से काम, नेटवर्क के मामले में जो अच्छा, जो टेक्नोलॉजी को अच्छा से विकसित करेगा, उसका उपयोग अच्छे से करेगा, उस देश को यह पुरस्कार दिया जाता है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। मतलब मानव का काम कम हो, टेक्नोलॉजी का काम ज्यादा हो, समझ रहे हो ना, उस क्षेत्र में यह पुरस्कार देते हैं, और इस चीज में एक नंबर पर अमेरिका और भारत को स्थान दिया गया 61। पिछले साल भारत का रैंक था 55, ठीक है, 55 बोल रहा हूं यार, 67, ठीक है, 6 पद का छलांग मारा है भारत, इस बार 61 हो गया। अगला क्वेश्चन भाई हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, इस देश की संसद ने ना भारत के साथ मुक्त, मुक्त नहीं मुफ्त, भैया मुफ्त बोले निकल गया मुझसे, मुफ्त व्यापार समझौता पारित किया है, और बोला गया है ना भारत का 6000 जो 6000 से जो ज्यादा भारत का उत्पाद है अलग अलग क्षेत्र में, उसको उसमें निर्यात में ना बहुत फायदा होगा, आयात में निर्यात में, और इस भारत अमेरिका के संबंध को बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के संसद में ये कानून पारित किया गया है, ठीक है, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। और आपको पता, अच्छा एक बात बताओ, अभी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और 2023 से भारत होगा G20 का नया राजा अध्यक्ष, बताए थे ना 2023 से जो G20 का जो अध्यक्ष ग्रहण करेगा वो कौन, भारत। अभी G20 का 17वां संस्करण एडिशन कहां पर हो रहा है, तो इंडोनेशिया के बाली में, कहां पर, तो इसका 17वां एडिशन हो रहा है भैया इंडोनेशिया के बाली में, और इसी इंडोनेशिया के बाली में 1 दिसंबर को ना जो इंडोनेशिया है जो अध्यक्ष अभी कौन है, इंडोनेशिया, 1 दिसंबर को बोलेगा भारत जी आप लीजिए, अब आप महाराजा, अब आप संभालिए G20 शिखर सम्मेलन को, ठीक है, 1 दिसंबर को भारत को सौंप देगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि डाउट है।
क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय सेना के द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जिसका नाम दिया गया है शत्रुनाश, इस अभ्यास का आयोजन कहां पर हो रहा है, कहां पर आर्मी जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, ऊपर में भी बम छोड़ो नीचे भी बम छोड़ो यही हो रहा है, मरुस्थल कहां पर हो रहा है, राजस्थान में। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है ना, शत्रुनाश जो अभ्यास है भारतीय सेना के द्वारा इसका आयोजन किस राज्य में किया गया, राजस्थान में। अब राजस्थान के बारे में आपको सब पता है, हम नहीं दिखाएंगे, गलती हो गया, हर डेली आपको हर राज्य के बारे में बताते हैं ना। अगर मैं बोलूं राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो आप बोलेंगे भैया भूल गए, बाबू भूल गए, ठीक है माफ कर देंगे बाबू आप भूल गए ना, कोई बात नहीं। लेकिन हम बस मेरा इतना रिक्वेस्ट है ना, जब भी क्लास करवाते हैं और जब भी वो एक स्क्रीन लगाते हैं ना, तो बस ध्यान से देखो मेरे पीछे पीछे बोल दो, महीना में हर राज्य के बारे में 10-15 बार बताते ही हैं उस राज्य के बारे में, तो 10-15 बार देखेंगे ध्यान से याद हो जाएगा। क्या गलती बोल रहे हैं, अच्छा गलती बोलने के सही बोल रहे हैं। अगर बोले राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पंकज मित्तल, याद रहेगा, राजस्थान पंकज मित्तल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा, 25 गो यहां पर लोकसभा, 10 राज्यसभा, 200 विधानसभा सीट है, 33 जिला है यहां पर, ध्यान से देखो, हालांकि काला लग रहे हैं अभी जाकर ना, एवर यूथ का रखे हैं कुछ नहीं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ना 2022, अच्छा ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पर हो रहा है, इसका 53वां संस्करण हो रहा है गोवा में, पहला बात तो ये याद रखिएगा। इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार गया है इंदिरा को, चिरंजीवी को, ऑप्शन नंबर सी, पता ही होगा साउथ के एक्टर है, यहां मारेंगे वहां लोग गिरते हैं, ये टेक्नोलॉजी है साउथ में। ठीक है अगला, अब यही हम लोग के बिहार में हो जाए ना, यहां पर हीरो मारेगा वहां गिरेगा तो बोलेगा साइंस फेल हो गया, और ये लोग मतलब ऐसे ऐसे इंसान को मारे, इंसान 4-5 बार पलटता है, गज। बट साउथ का संस्कार बहुत अच्छा है, कुछ मानो या ना मानो साउथ का जो संस्कार है ना, कल्चर, वो बहुत अच्छा है। क्यों भैया, साउथ एक बार घूमने गए थे तो साउथ में हम देखे ना, ये नहीं बोल सकते किसी के पहनावा इन सब पे जजमेंट हम करेंगे भी नहीं, लेकिन संस्कार बहुत अच्छा है साउथ का, पूजा पाठ जो अपना कल्चर है वो उसको फॉलो करते हैं, दिखावा में नहीं रहते हैं, ये नहीं कि वेस्टर्न कल्चर पश्चिमी कल्चर को अपनाना है बॉलीवुड की तरह, ये चीज नहीं है। और हम लोग क्या है आज के डेट में, ये अपना रहे हैं बॉलीवुड को, मानो या ना मानो, भले उनको गरिया रहे होंगे, लेकिन साउथ वाला नहीं, अपने कल्चर से समझौता नहीं करता है दक्षिण के लोग, ये आप देख लीजिए कभी भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन साउथ वाले बहुत ईमानदार होते हैं, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे है ना, उनको कहां पर किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल पूछता है। ठीक है, जब भी कोई गार्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार मिलता है किसी प्रमुख को तो क्वेश्चन पूछता है, कहां पर दिया गया, पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस नौसेना के जहाज ने, यानी कौन सा नौसेना का जहाज है ना जो उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के द्वारा, जितने भी देश हैं सब जुटे हैं अभ्यास के लिए, ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, सी सॉट टू, इस अभ्यास में भारत का कौन सा जहाज गया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो INS त्रिकंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, थाईलैंड में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किस परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेलेंस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, एक्सेल याद रखिएगा, मॉडर्न जो बोलते हैं ना, मॉडर्न मतलब परिवार का देखभाल, परिवार के लिए योजना, परिवार के नियोजन, ये सब कुछ परिवार को देखते हुए ढांचा तैयार करने के मामले में कौन सबसे अच्छा है, तो इसलिए पुरस्कार दिया गया है भारत को, ऑप्शन नंबर सी। ये था करेंट अफेयर आप सभी का, संडे को रेडी रहिएगा, जितना भी क्लास करवाते हैं ध्यान से देखना बाबू, और रिवीजन कर मत आना, क्योंकि मेरा मानना यही है ना, जो क्लास करवाते हैं क्लास में क्वेश्चन याद, तो दोबारा रिवीजन मत करना, संडे को डायरेक्ट आकर क्लास अटेंड करना, देखना हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, संडे को वही टाइम सुबह में
बस क्लास जो डेली 10 मिनट होता है संडे को 20-25 मिनट होगा, और क्या होगा। जो मुझे डेली क्लास रेडी करने में आधा घंटा समय लगता है संडे को 3 घंटा लगेगा, और क्या होगा। कुछ नहीं, मेहनत तो करना है जिंदगी में ना। आज बहुत डायलॉग मार दिए ना, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, माँ पापा का ख्याल रखिएगा, परिवार ख्याल रखिएगा। किस्मत कब तक हराएगी यार, कब तक किस्मत मतलब बदनसीबी का ठप्पा मार के रहेगी। लड़ेंगे, हम भी जिद्दी हैं, आप भी जिद्दी बनिए, लड़िए। चलो, जय हिंद सर।